वरिष्ठ समाजसेवी एस अंसारी एवं टीएमयू हॉस्पिटल के संयुक्त सौजन्य से डॉक्टर मुस्तकीम साहब के घर पंचायत भवन के पास भोला सिंह की मिलक में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें टीएमयू हॉस्पिटल मुरादाबाद से विकास वर्मा, डॉक्टर ऐश्वर्या, डॉक्टर अदिति चौहान, डॉक्टर अलीजा खान, दीपक सागर, टिकेंद्र कुमार, उपेंद्र कुमार आदि ने शिरकत किया। शिविर में 165 लोगों ने शिरकत किया, जिनकी मोतियाबिंद शुगर एवं ब्लड प्रेशर की निःशुल्क जांच की गई, जिसमें से 16 लोग मोतियाबिंद के मरीजों को चयनित कर टीएमयू हॉस्पिटल ऑपरेशन के लिए बस द्वारा भेजे गए, जहाँ उनकी सभी संबंधित जाँचें एवं ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा। कैंप आयोजक वरिष्ठ समाज सेवी एस अंसारी एवं उनके साथियों द्वारा मानवता के लिए निस्वार्थ भाव से विभिन्न तरह के सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसका लाभ समाज के अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिलता है। असहाय, लाचार, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का कैंप के द्वारा निशुल्क इलाज कराकर मदद करना मुख्य उद्देश्य है। शिविर का आयोजक एएस अंसारी ने बताया कि इस परोपकारी कार्य में हमारी टीम निस्वार्थ भाव से सदैव तत्पर रहता है। श्री अंसारी जी के अलावा सम्मानित साथीगण एक्सपोर्टर जिया भाई, डॉक्टर मुस्तकीम साहब, आलम सैफी, खालिद भाई, वाजिद मास्टर एवं नाजिम भाई आदि के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। कैंप के बारे में जानकारी दें क्या? असल में ये हमारे और टीएमयू के जी प्रयास से ये हो रहा है जी। हाँ, अब तक हमने टीएमयू के साथ 150 से ज़्यादा कैंप लगाए और 600 से ज़्यादा लोगों के आँखों का ऑपरेशन करा चुके हैं। आज जो कैंप है, आज लगभग 400 के आसपास लोगों का आपने देखा ही अभी जी, 400 लोगों के करीब हो गए। कहाँ लगाया गया है कैंप और कितने मरीजों को अब तक चेक करिए? अभी हमारे पास 25 मरीज हैं जो अच्छा। जाने वाले हैं ऑपरेशन के लिए। अच्छा, अब देखते हैं शाम तक कितने और हो जाते, मतलब 2 बजे तक। अच्छा, हाँ 1 बजे तक टाइम था, मरीजों को देखते हुए टाइम बढ़ा दिया। ये कहाँ, किस जगह आपने ये कैंप लगाया है? ये डॉक्टर मुस्तकीम साहब हैं, भोला सिंह की मिलक है ये जगह, ये बराबर पंचायत भवन है। तो इसके अलावा भी और किस किस चीज़ों को चिकित्सा यहाँ पर की जा रही है? हम जनरल कैंप भी लगाते रहते हैं जी, और अदर कई तरह के कैंप हम लगाते रहते हैं, गरीबों के लिए राशन वगैरह और विधवाओं के लिए। क्या आगे की क्या योजना, कोई और कैंप लगाए जाएंगे? हाँ, जल्द ही हम एक और कैंप लगाएंगे एपेक्स हॉस्पिटल का। अच्छा, हाँ इसमें जो लोग बच जाएंगे, जो लोग कुछ रह जाएंगे, उनके लिए दोबारा हम कैंप लगा देंगे। क्या जैसे कि सबके निःशुल्क हैं, चश्मे भी निःशुल्क होंगे इसमें क्या? चश्मे जैसे, हाँ जिनका ऑपरेशन होगा उनका आना जाना, खाना पीना, चश्मा, लेंस, दवाई, ऑपरेशन सब फ्री होगा। ऑर्डिनरी तौर पर चश्मे बन सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति की आँख वीक है या कुछ है? हाँ, उनकी जाँचें सारी फ्री होंगी। ऐसे कैंपों के संबंध में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं देखिए, हम गरीब लोगों के लिए ही कैंप लगा रहे हैं, जिससे जो लोग मोहताज हैं, जिनके पास पैसे के अभाव है, जो पैसे की कमी की वजह से अपना आँख नहीं बनवा पाते हैं, ये कैंप हम उन्हीं लोगों के लिए लगवाते हैं। और मैं तो जनता से यही अपील करूँगा कि अच्छे लोग भी आएँ आगे और इस तरह के प्रोग्राम करें और गरीब लोग इसका फ़ायदा उठाएँ। गरीब लोगों से मेरी अपील है कि हमारे कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और वो अपना फायदा उठाए।